व बरकातहू जो लोग रजालब से वाकिफ नहीं होते वो एक एतराज करते नजर आते हैं कि आखिर अच्छा अगर ये रजालब वाकई आप जो कहते हैं करते हैं तो फिर ये बाहर निकल के मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहा है जैसा कि आप कहते हैं कि रिजाल ऐब में कुतुब की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इलाके खिते शहर या कस्बे के हालात पर नजर भी रखता है और वहां अल्लाह की रजा के मुताबिक खुफिया तौर पर मखलूक खुदा की निगरानी और आसानी के फराय सर अंजाम देता है तो फलस्तीन में ये हो रहा है कश्मीर में ये हो रहा है अब इसके अंदर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है कि अल्लाह की रजा के मुताबिक खुफिया तौर पर ये बड़े इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है अच्छा आपको ना इस जमीन में मैं शाह अब्दुल अजीज दहलवी का एक सुनाता हूँ सेवनटीन हंड्रेड की ये बात है आप बड़े जो है पाए के आलम दीन है वो कुरान है और आपने हदीस में भी बहुत काम किया और आपके मकतब से हजारों मुस्तौल जो है वो दीनी इल्म हासिल करके सारे बर में फैले हैं और खिदमत अंजाम दी है और आपके जमाने में बर पाको हिंद में सियासी तौर पर एक समझ लें कि ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था और माशरती तौर पर भी बड़ी तबाहियां आ रही मुगल इकतेदार जो है वह जवाल की तरफ जा रहा था और बाहर की ताकतें आकर यहां पर हुक्मरानियां कर रही थी और चूंकि जो अथॉरिटी थी वो नीचे की तरफ उसका गिराव जा रहा था तो इखलाकी गिरावट का यह आलम था चाहता करता कोई खौफ खुदा नहीं था गुनाह का कोई डर नहीं था मज़ाहिब के दहशत गर्दों ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था मुसलमानों की कुत हाकम टूट फूट का शिकार हो गई थी और हुकूमत की बागडोर बदखुमाश औरतों और इखलाक बाफता खुशामदियों के हाथ में चली गई और दारो सुल्तनत दिल्ली पर एक तरफ से तो मराठे हमला कर रहे थे और अपनी मर्जी से दारो सल्तनत दिल्ली में दन फिरते थे और लूट खसूट करके अपने इलाकों में चले जाते थे तो दूसरी तरफ पंजाब में सिखों की चीरा दस्तियों से मुसलमान तंग आ गए फिर इन काफिर दुश्मनों के बरक्स खुद मुसलमान इखलाकी बद आमालियों का शिकार हो चुके थे दिल्ली शहर में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था चोरिया डकैतिया कत्लोकारत एक आम बात हजरत शाह अब्दुल अजीज के अहबाब में से एक ऐसा आदमी भी था जो मुल्क की हालात को देख कर बड़ा परेशान रहता था बड़ा मुस्तर बड़ा बेचैन रहता था इसकी हसास तबीयत शहर के एक इलाके के हालात पर बेचैन रहती थी वो हर रोज रोज हजरत के पास कोई एक नया वाक लेकर आता और बड़ी दर्द मंदी से बयान करता तो एक दिन हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ कहने लगा कि भाई ये दिल्ली का रूहानी गवर्नर या कुतुब कौन है जो ऐसा सोया हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है हजरत शाह अब्दुल अजीज उसे समझाते रहे कि औलिया मस्तूरीन अपने फलाइज से गाफिल नहीं रहते मगर वो मशियत एज दी के मातहत इकदाम करते जब तक उन्हें हुक्म नहीं होता वो काम नहीं करते लेकिन वो न माना बेताब होकर कहते मुझे आप बताए तो सही है दिल्ली का कुतुब कौन है यहाँ का रूहानी गवर्नर कौन है मैं उससे मिलना चाहता हूँ ये हद हो गई है ये तो अखबार आखिर में आपने कहा कि अच्छा तुम करोगे क्या मैं, तो मैं उसको मिलकर सूरत हाल से आगाह करूंगा आपने फरमाया देखो इन हजरात के मामला में दखल नहीं देना चाहिए लेकिन ताम तुम्हें दिल्ली के रूहानी गवर्नर तक पहुंचाने में मैं मदद दे सकता हूँ तुम सिर्फ जियारत करोगे खामोश रहोगे और किसी किस्म के दखल दर मकुलत के मुरतकब नहीं होगे तो फिर मैं बताता हूँ कौन है उसने कहा जी बस ठीक है आप बता दें कम से ताकि मुझे खबर तो हो कि उनके यहां क्या मामले चल रहे हैं तो दिल्ली से बाहर कहने लगे कि अच्छा निकलो तुम दिल्ली से बाहर और सुबहानपुर को एक सड़क जाती है मील के फासले पर एक छोटा सा कस्बा

छुरी से चीरा और चक्कर कहने लगा बाबा ये खरबूजा दो फीका है तो बाबा ने कहा अच्छा ऐसा करो और ले लो इसे परे रख दो दूसरा उठाया बाबा इससे तो बदबू आती है फरमाया अच्छा इसे भी साइड पे रख लो तीसरा ले लो तीसरा खरबूजा उठाया इसको चीरा तो कर बाबा इसमें तो कीड़े है फरमाया अच्छा इधर रख दो और ले लो इस तरह शख्स ने बाबे के सारे खरबूजे एक के बाद एक खराब कर दिए फिर कहने लगा बाबा तूने तो मुझे लूट लिया है बाबे ने कहा बेटा अपनी कन्नी ले लो शायद आज मैं अच्छे खरबूजे नहीं ला सका वो शख्स इकन्नी जेब में डाले सारे खरबूजे बर्बाद करके रात को शाह अब्दुल अजीज शाहजह के पास आ गया और कहने लगा जब दिल्ली का कुतुब और रूहानी गवर्नर ऐसा है तो फिर ये अफरा तफरी क्यों ना हो यानी कि हालात ऐसे बिगाड़ में आ चुके हैं ऐसे बिगाड़ में आ चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं की अब फल भी जवाब दे रहे हैं फल अक्कासी कर रहे हैं की क्या हाल है और बंदा भी ऐसे हो चुके हैं बहरहाल हालात खराब ही रहे लेकिन फिर थोड़ा सा गुजरा और अफगानिस्तान से उठकर कुछ लोग पंजाब आए और पंजाब में आके दिल्ली के ऊपर काबिज हुए और यहाँ पर फिर सिखों को यहाँ से भगाया और यहाँ से मराठों और दूसरे लश्करों को बाहर निकाला और दिल्ली पर काबिज हुए कत्ल आम के साथ साथ इसने इस मुल्क में जो नज्म नस्क के मसाइल थे सबको दुरुस्त भी किया गया जो चोरी करता था उसका हाथ काट दिया जाता था जो कत्ल करता था उसे फांसी चढ़ा दिया जाता था जो ज्यादती करता था उसे सजा दी जाती थी तो दिल्ली से चोर उचक्के डाकू कातिल ये सारे डर के भाग गए शहरियों ने सुकून का सांस लिया मामला बेहतर हो गए और हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ हो गया अब दिल्ली का निजाम दुरुस्त हो गया तो उसके बाद हालात बेहतर हो गए तो धोखे बाद भाग गए डाकू चले गए जो लोग पकड़े गए उनके साथ जो मामला हुआ सो हुआ तो मुख्तलिफ इलाकों के सरकश लश्करों की सरकोबी की गई और फिर उसके बाद वो लश्कर भी यहाँ से चले गए तो ओवरऑल दिल्ली में अमान हो गया तो फिर अब वही शख्स अजीज के पास गया और कहने लगा कि हजरत अब तो दिल्ली में अमन है लोग सुख से रह रहे हैं अब बताए इस जमाने में कौन दहली का कुतुब है बड़ा इसरार करने लगा हमने फरमाया ऐसा करो जाम मस्जिद दिल्ली जाओ वहां की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा तुम्हे मिलेगा उसके कंधे पे मुश्कीजा होगा लेदर का पाउच होता है जिसमें पानी भर के लोगों को पिलाया जाता है उसे कहते जाकर एनी बडी हु तो कहला लगा अच्छा वो लोगों को पानी पिला रहा होगा नमाज जुमा के बाद नमाजियों को पानी पिलाता हुआ तुम्हें नजर आएगा वही इन दिनों दहली का कुतुब है तो वो शख्स जुमे की नमाज के बाद जामे मस्जिद पहुंच गया इसने देखा कि मशकीजा उठाया हुआ एक बूढ़ा आदमी हाँप्ता कांपता सीढ़ियां चढ़ रहा है लोग दौड़ दौड़ कर इससे पानी मांग रहे हैं ये शख्स भी आगे बढ़कर इन्हें पिला रहा है अच्छा वो जो मशकीजा होता था ना उसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन होता था जो प्याले का काम करता था उसको कहते थे आब खोरा तो अब लोग आब खोरे में पानी डाल के देते वो पीते और आगे बढ़ जाते कहता है, मैं भी उसके पास पहुंच गया मैंने कहा कि भाई मुझे भी पानी पिलाओ तो उसने जो है आप खोरा भरा तो मैंने आधा पानी पी और आधा जमीन पर गिरा यानी जबकि अमन कायम हो गया उस शख्स ने तो अब बूढ़े को यह बात बड़ी नागवार गुजर तो एक जोरदार तमाचा रसी करते हुए कहा तुमने ये पानी जया क्यों कर दिया किसी और मुसलमान के काम आ सकता था वो शख्स अभी सोचने ना पाया था कि बूढ़े ने कहा दफा हो जाओ और जाके अपने वी अब्दुल अजीज को कहना कि तेरे जैसे बेहुदा लोगों को हमारे पास ना भेजा करे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो वो शख्स जो है उसने ना सिर्फ रिचाल गैब को देखा बल्कि अमन वमान के कायम होने के बाद उसके निजाम को कायम रखने के लिए इनकी सख्ती भी देखी कि अच्छा अब तू बिगाड़ पैदा करता है जबकि अमन कायम हो चुका है तू ऐसा काम करता है जो फसाद का काम है जबकि अमन कायम हो चुका है और साथ साथ उसे इतना भी दे दी कि तेरा यहां जो आना है उसकी हमें खबर है कि तू आया क्यों है तुझे भेजा किसने और उनको यह मुतल भी कर दो कि हम हमारे पास ऐसे बेहुदा लोगों को ना भेजा करे फिर वो शख्स मौलवी अब्दुल अजीज के पास आए और सारा वो वाकया था वो कैसे कह सुनाया कहने लगा वाकई दिल्ली का गवर्नर तो बड़ा सख्त है <laughs> यानी पहले जो गवर्नर था वो नरम था तो जब नरम था तो अफरा तफरी थी अब सख्त हो गया है तो अब सख्ती के साथ चीजें इम्प्लीमेंट हो तो अब ये जो रूहानी रिजाल गैब जो होते हैं ना इनका मामला बड़ा जुदागाना होता तो इस वाक को सुनाने का आपको मकसद ये है कि रिजाल गैब इंटरफियर नहीं करते अनलेस दे आर टू डू सो क्यों ने कहा जाए रूहानी तौर पर कि अब आपने ये काम करना है और उसके बाद जैसे लोग होते हैं उसी तरह के मामले वो लोगों के साथ रखे तो जरूरी नहीं है कि वो कोई इंटरफेयर करके कोई मामले कोई बिल्कुल ठीक-ठाक कर वरना तो लोगों को मेहनत करने की आदत ही नहीं रहेगी लोगों को इंसाफ कायम करने की आदत ही नहीं रहेगी लोग फिर इन्हीं के इंतजार में बैठे रहेंगे कि हम बिगाड़ते रहें ये संवारते रहेंगे और ये उनका मकसद नहीं होता